सलाम मेरे अजीज योर ओन इज द एपिसोड सेवन और एट पता नहीं इलियास सो लेट्स स्टार्ट इट तो तुम अपने भाई के पास रहती हो और माँ बाप वो दोनों पास पास ही नीम दराज थी बहुत अरसे बाद इस घर में उनके अलावा यूँ किसी और औरत का वजूद मौजूद था उन्हें बेहद भला लगा वो उसी के साथ वहीं लेट गई जी कोई भी नहीं है बस भाई हैं मायशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया आंटी आई एम सो सॉरी मैंने आपको देख कर यूं चीख मार दी इतनी प्यारी सी हैं आप वो अभी तक शर्मिंदा सी थी अरे बस भी करो अब क्या नाक से लकीरें खींचोगी मैंने मान ली तुम्हारी माफ़ी और ये आंटी शांति मुझे मत कहो बस अम्मा कहो अब की बार मसनू आँखें दिखाई अम, अम्मा उनकी बात पर अटक अटक कर उसने अम्मा कहा हाँ ना फरजात के सभी करीबी दोस्त मुझे अम्मा कहते हैं और तुम भी बहुत करीबी बन गई हो तो फिर यह तकल्लुफ कैसा वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को थाम कर बोली थैंक यू मायशा झिझकते उनसे लिपट गई कितनी अच्छी माँ थी वो कुछ औरतों से सभी के लिए ममता झलकती है वो चाहे उनकी औलाद हो या किसी और की ऐसी औरतें सभी के लिए माँ का सा दर्जा रखती हैं सालिया भी उन्हीं में से थी आपके बच्चे बहुत लकी हैं वो उनके मेहरबान लम्ब पर आंखें बंद करते हुए बोली अरे अब तो तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो वो उसके लहजे की महरूमी पर तकलीफ़ से बोली आप सो जाएं थकी हुई आई होंगी और मैंने आपको बातों में लगाया हुआ है सुबह ढेर सारी बातें करेंगे तेज़ी से उठ कर बैठते उन पर कंफर्ट और ठीक करते वो फिक्रमंद लहजे में बोली हाय मैं सदके क्यों नहीं तुम भी जाओ वो मोहब्बत से उसका चेहरा थाम कर पेशानी पर बोसा देकर लेट गई मायशा पेशानी पर जागने वाले इस लम्ब पर चंद मिनट तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी अपनी माँ ने तो कभी गले से भी मोहब्बत से नहीं लगाया था एक कैसी मेहरबान खातून थी जो उसे माँ जैसी मोहब्बत चंद मिनटों में दे गईं नम आँखों से उठकर लाइट ऑफ करके वो बैठ के दूसरी जानब आकर लेट गई साल करवट लेकर सो भी चुकी थी यकीन थकी हुई थी मायशा का ख्याल करके ही जाग रही थी अब समझ आया आप यूं मेहरबान से क्यों हैं ऐसी माँ ने जब तरबियत की हो वो औरत को कैसे इज्जत ना दे अपनी सोचों से उलझती वो सो चुकी थी सुबह जिस लम्हे उसकी आँख खुली चंद पल उसे समझ नहीं आई वो कहाँ है ये उसके अपार्टमेंट का रूम तो नहीं था झटके से उठी बेड के दूसरी जानब देखते रात के सभी वाकयात जहन में जागे अम्मा तो इस वक्त नहीं थी, मगर बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी वो बेड से उतर कर कम्फर्ट ठीक करके वॉशरूम में फ्रेश होने गई वहाँ से निकल कर बालों को पोनी से आज़ाद किया फिर दोबारा से हाई पोनी बनाई अपने कपड़ों को हाथ से दुरुस्त किया लाइट ब्राउन खद्दर के प्लेन सूट पर प्रिंटेड स्टॉलर ले रखा था उस पर ब्लैक श्रग पहन रखी थी दरवाज़ा खोल कर राहदारी से गुजर कर वजू ही लाउंज में आई अम्मा के साथ फर्जाद भी बैठा नज़र आया शायद वह सुबह जल्दी पहुँच गया था मायशा की नज़र बे इख्तियार घड़ी की जानब गई जहाँ सुबह के साढ़े दस बज रहे थे वो दोनों कोई बात करते मुस्कुरा रहे थे मायशा को समझ नहीं आई कि आगे बढ़े या यहीं रुके अरे आओ ना बेटा बात करते यदम सालिहा की निकाह उस पर पड़ी फर्जाद ने भी झटके से सर उठाकर उसकी जानब देखा आंखों में कुछ ख़ास चमक उभरी वो सलाम करती झिझक कर उनके करीब रखे सिंगल सोफे पर बैठी ठीक से नींद आ गई थी उनके सवाल पर वह होले से सर हिला गई एक बाजू सोफ़े की पुश्त पर रखे वह गहरी नज़रों से मायशा को देख रहा था दोस्ती हो गई आप दोनों की मुस्कुराती नजरों से उसे देखते सवाल उसने साल से किया अरे ऐसी वैसी ये तो मेरी बेटी बन गई है उन्होंने मोहब्बत से मायशा को देखा आप हैं ही इतनी अच्छी आपसे दोस्ती कैसे ना होती वो साफ़ गोई से मुस्कुरा कर कहती किसी के दिल के तार छेड़ गए घर कैसा लगा फरजात की सवालिया नज़रें खुद पर महसूस की बहुत अच्छा घरों को ऐसा ही होना चाहिए मकान तो सभी के पास होते हैं मगर घर किसी किसी के पास होता है उसकी बात पर साल ने अफसुर्दा सी नज़र उस पर डाली नाश्ता क्या करोगी उनके सवाल पर वो कंधा उचका गई एग और स्लाइस उसने सादगी से बताया मैं शबाना से कहती हूं वो अपनी जगह से उठकर किचन की जानी बढ़ी आप कब आए सालिहा के उठते ही उसने सवाल किया सुबह सात बजे की फ्लाइट से फरजात की नजरों का रुख वो काफी देर से खुद पर महसूस कर रही थी अब आप बताएंगे कि आपने मुझे यहां आने का क्यों कहा वो कल से जिस बात को लेकर परेशान थी आखिर कह ही दी क्या तुम्हें यहां आना अच्छा नहीं लगा फिर से कोई ख़ातिर जवाब नहीं दिया गया बल्कि सवाल को कहीं से कहीं ले गया ऐसी बात नहीं है लेकिन आपने कभी यूं आने को कहा नहीं वो उलझ रही थी और वह उसे मज़द उलझा रहा था अब जब कह दिया तो तुमने इसे मसलायी सा गौरस बना लिया है वह मस्तौ गुस्से से उसे देख कर बोला मुझे आपसे एक बात करनी है वो समझ गई कि वह बताना नहीं चाहता वो अब जितनी मर्जी कोशिशें करे वो बात कहीं से कहीं ले जाएगा मगर असल बात नहीं बताएगा बोलो उसकी इजाज़त पर उसने परेशानी से उंगलियां मरोड़ीं वो भाई कह रहे हैं कि इस वीकेंड पर जिशान के घर वाले छोटी सी रस्म करना चाहते हैं मगर मैं चाहती हूँ कि इस सबसे पहले मैं जिशान को अपने माजी के बारे में सब बताऊँ उसे निकाह का भी बताऊँ और अपनी गलतियों का भी उसकी बात पर फ़र्जाद के माथे पर शिक्न नमदार हूँ तुमने जब से पूछा उसकी बात पर मायशा ने नफ़ी में सर हिलाया मेरे ख्याल में तो डिस्कस करना बेहतर है ताकि बाद में वो कोई बात न करे अगर तो वो अच्छा इंसान हुआ तो किसी से भी तो किसी भी बात से उसे कोई मसला नहीं होना चाहिए फरजात की बात पर उसने असबात में सही लाया इतने में मुलाजमा उसके लिए नाश्ता लगा चुकी थी आ जाओ बेटे सालिहा ने उसे डाइनिंग की जानिब आने का इशारा किया मैं नाश्ता करके अपार्टमेंट चली जाऊंगी शाम को रिकॉर्डिंग के लिए जाना है साले के साथ मायशा अपनी जगह से उठते हुए उसे मुखातिब करके बोली ओके प्रसाद ने सर हिलाकर गोया इजाज़त दी रात में वो जल्दी घर आ गया माँ के साथ बैठ कर बहुत सी बातें करने का दिल कर रहा था कमरे में दाखिल होते न जाने क्या सोच कर मायशा को मैसेज किया मेरे रूम को देखा अपने कमरे में उसे मायशा का एहसास बड़ी शिद्दत से उस वक्त महसूस हुआ जी बहुत खूबसूरत और डिसेंट सा है आपकी तरह उसका मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराया ऐसे लगा वो अभी भी यहीं कहीं है मुझे आपके रूम में मौजूद ग्लास वॉल बहुत पसंद आई बहुत ही आइडियल सा बनाया है आपने ख़ास तौर तो पर वहाँ जो बैठने की जगह है और फिर लॉन का व्यू है इट्स अमेजिंग फरजाद उसका मैसेज पढ़ता आहिस्ता से चलता ग्लास वॉल के करीब आया पर्दे पीछे करके लॉन का व्यू देखा उसे भी ये जगह बेहद पसंद थी न जाने कितनी बार वहाँ बैठकर चाय कॉफ़ी पीते कितनी ही दुनें बनाई थी बस आपके रूम में एक कमी है उसका अगला मैसेज पढ़कर वो चौंका किस चीज़ की वहीं बैठ कर मैसेज टाइप किया आपकी शख्सियत का हर रंग इस कमरे में नज़र आता है सिवाय एक म्यूजिशियन के कोई तस्वीर कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ होना चाहिए आपके रूम में जो साइड टेबल के साथ कॉर्नर वॉल है ना, वहाँ अगर एक गिटार रखा हो फिर परफेक्ट लगे उसकी बात पर फरजाद ने गर्दन मोड़कर उसी कॉर्नर की जानब देखा कम आर्टिस्ट वो भी नहीं थी वहीद मेरा गिटार घर भिजवा देना फ़ोन करके स्टूडियो में मौजूद एक लड़के को हुक्म शादिर किया सर अभी वो हैरान हुआ कि अभी तो सर वापस गए थे हाँ अभी और उसकी जगह कल कोई और गिटार मैं स्टूडियो के लिए ले लूँगा वो गिटार अब घर पर ही रहेगा वो तो उसका वही पसंदीदा गिटार था जिस पर मायशा ने गिटार बजाना सीखा था कपड़े बदल कर वो सालेहा बेगम के कमरे में आया क्या हुआ आप ऐसे क्यों लेटी हैं उन्हें बिस्तर पर नींद दराज देखकर वो कुछ परेशान हुआ बस ऐसे ही थकावट से हो रही थी इतने दिन से सकीना के बेटे के साथ रातों को जागी तो बस थकावट हो गई उसकी दोनों बहनें मुख्तफ़ मुल्कों में रहती थीं उसना शादी होकर इटली गई थी जबकि सकीना शादी होकर कैनेडा बहुत खुद तो कम हाँ मगर साल को अक्सर उनके पास भेज देता था साल में एक बार वो भी आ जाती थी और अभी आपको मेरे बच्चों को खिलाने की ख़्वाहिहिश है उनके पास बैठते वो शरीर अंदाज में बोला हाँ तो क्या हुआ असल से सूद प्यारा होता है देखना मैं थकूँगी ही नहीं वो उसे आंखें निकाल कर बोली मायशा अच्छी बच्ची है कब से दिल में पनपते ख्याल को वो बस ऐसे ही अल्फाज दे सकती थी जी बच्ची है वो उनके अंदाज को समझते हंस पड़ा अब इतनी भी बच्ची नहीं वह मुंह बना गई उस बच्ची की मंगनी है इस वीकेंड पर उसके इतला देने पर उन्होंने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखा बस सब अच्छी लड़कियों की शादी हो जाएगी तुम ऐसे ही बैठे रहना उनके लताड़ने पर वो कह कहाँ लगा क्या हसा? हो जाएगी अम्मा आपको क्या टेंशन है वो उन्हें इस मौजू से हटाना चाहता था अब कब होगी वो तो जैसे अभी करवाने पर तुली सवाल जवाब खोल कर बैठ गई जब लड़की मिलेगी वो बात को मज़ाक का रंग देख कर बोला और वो कब मिलेगी उसे तेज़ नजरों से देखा मिल गई थी मगर मेरी नहीं थी होंठ भीचते वो सच कह गया कौन उसकी बात पर वो एकदम चौंकी यही अपनी सफीना मगर मुझसे पहले साले ले उड़ा वो तेजी से बात पलट गया होश पागल जैसे मैं जानती नहीं तुम्हें और सफीना को वो साफ समझ गई कि बात को घुमा रहा है खाना खा लिया आपने उसकी बात पर वो नफ़ी में सही हिलाई चलिए फिर इकट्ठे खाना खाते हैं उनका हाथ थाम कर बेट से उठाने लगा उस बच्ची को भी इधर ही बुला लेते उन्हें फिर मायशा की याद सताई वो बच्ची रिकॉर्डिंग करवा रही है रात को आएगी वो उन्हें इतला देने लगा क्या वाकई उसके माँ बाप नहीं वो आज सारा दिन उसके लिए फिक्रमंद रही हैं अम्मा मगर ना होने के बराबर उसकी बात पर वो चिटकी क्या मतलब उलझी नजरों से उसे देखा आए बताता हूँ मगर आपने मायशा से इस सब का जिक्र नहीं करना उन्हें लिए वो डाइनिंग में आया खाने के दौरान उस पर बीती तकलीफ़ सुनाई साले की भी आंखें नम हो गईं। इतनी सी बच्ची ने क्या क्या रंग देख लिए दुनिया के आंखें साफ करके वो अफसुर्दा लहजे में बोली मैंने इसीलिए ये सब नहीं बताया कि आप रोने लगे उनकी आंखों को फिर से भरता देख कर वो की भरे लहजे में बोला जितने दिन वो यहाँ है उसे इधर ही ले आ उनकी फरमाइश पर उसने फहमायशी नज़रों से उन्हें देखा आपको मीडिया का पता नहीं ज़रा सी भनक किसी को पड़ गई कि मायशा मेरे घर पर है इतना बड़ा स्कैंडल बन जाना है उसे कहूँगा वो आती रहेगी नहीं तो आप उसके पास चले जाना वो सहूलत से उन्हें मना कर गया हाँ ये ठीक है यहाँ तो है तेरा अपार्टमेंट मैं खुद ही चली जाऊँगी उन्हें मशवरा पसंद आया चंद दिन शगून से गुजरे इन्हीं दिनों सालह और मायशा की खूब दोस्ती हो गई साल और रिमशा के साथ वो मिना के घर भी हो आई और भाई की बात भी पक्की कर दी वापसी पर वो साल के साथ फर्जाद के घर ही आ गई आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मा वो उनसे से लिपट कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी माशाल्लाह अल्लाह हमेशा खुश रखे मोहब्बत से उसके माथे पर प्यार किया मैं आज कुछ बना लूँ हम तीनों के लिए उनके करीब बैठी वो उनसे इजाज़त लेते हुए बोली मैं सदके मेरा बच्चा सो बार बनाओ आओ दोनों माँ बेटी किचन में चलते हैं वह उसका हाथ थामे किचन में आ गई लो भाई शबाना आज मेरी बेटी कुछ बनाना चाहती है मुलाजमा भी मायशा से किसी हद तक मानूस हो गई थी मुस्कुराते हुए साइड पर हुई आज का डिनर मेरी तरफ से वो शाहाना अंदाज में बोली क्या बनाएंगी मैम शबाना उसे असिस्ट करने के लिए तैयार खड़ी थी साल वहीं मौजूद टेबल के गर्द रखी कुर्सियों में से एक पर बैठी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी आपको क्या पसंद है अम्मा उसने मुड़कर सालेहा से पूछा जो मेरी बेटी बना देगी मैं खा लूँगी तुम्हें कुकिंग आती है क्या उनका शरीनी लहजा उसे बेहद पसंद था बहुत अच्छी लेकिन मैं ज़्यादा किसी को बताती नहीं वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोली चलो हम चिकन पाइन और पालक कोफ्ते बनाते हैं पालक है तेज़ी से सोचते शबाना से पूछा उसने इस में सही लाया हम पालक को काट कर फ्रीज़ कर लेते हैं तो फ्रीज़र में है और बाकी भी चीज़ें मौजूद हैं उसने मायशा की मुश्किल हल की गुड हो क्या शबाना ने सब चीज़ें निकाल कर उसके सामने रखी साल वाकई हैरान हुई कि बहुत माहराना तरीके से वो सब पका रही थी साथ साथ सफाई का पूरा ख्याल भी रख रही थी कुछ भी काट कर फ़ौर से जगह साफ़ करती वहाँ अमेरिका में तो सभी खुद बनाना होता है मैं अपने और जेम के लिए खुद बनाती थी इतने पैसे नहीं होते थे कि हर वक्त बाहर से खाते फिर मैं थोड़ा हाइजीन कॉन्शियस भी हूँ तो इसीलिए मैं अपने और जेम के लिए सब खुद ही बनाती थी तब से ही मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई फिर हर वीकेंड जेम को गेट टुगेदर का शौक़ था तो बस उसके फ्रेंड्स के लिए भी बनाती थी वो अपनी रवानी में बोलती गई फिर एकदम याद आने पर ख़ामोश हो गई कि साल को जेम का क्या पता जेम मेरा बहुत अच्छा दोस्त और भाइयों की तरह था जब जवाद भाई किसी और स्टेट में थे तब मैं उसी के पास रहती थी मगर कोई गलत बात नहीं थी उसे यकदम ख्याल आया कि साल क्या सोचेंगी कि वो किस किस्म की लड़की है जल्दी से वजाहत थी कोई बात नहीं मैं समझ गई हूँ थोड़ी के नीचे हाथ टिकाए वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख कर बोली मुझे अंदाज़ा है तुम अच्छी बच्ची हो उनकी तसली अमेज़ तारीफ पर होली से मुस्कुराई कल की तरह आज भी फर्जाद जल्दी घर आ गया मगर लाउंज में दाखिल होते ही माँ की आवाज़ के साथ किसी और की भी आवाज़ उसे खुशगवार हैरत में मुबतला कर गई आज कल वो साले के साथ उसका कोई प्रोजेक्ट कर रही थी लिहाजा एक ड्राइवर और गाड़ी उसने मुस्तकिल उसके लिए मुख्त कर दी थी फर्जाद से उस दिन के बाद से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी बस मैसेज या फ़ोन पर ही वो हाल अहवाल पूछ लेता इस वक्त उसे अपने घर में यूं इस तहक़ाक से किचन में मौजूद महसूस करके दिल की हालत कुछ और ही हो गई आहिस्ता से चलता वह किचन के दरवाज़े पर रुका जहाँ से चूल्हे के आगे वो खड़ी साफ नज़र आ रही थी हाथों के साथ साथ जबान भी उसी तेजी से चल रही थी वो मुस्कुराया अस्सलाम असल उसके खामोश होते ही उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया वालेकुम सलाम आप सूरज कहाँ से चढ़ रहा है सालिया बेगम उसे आज फिर जल्दी आता देख कर हैरान हूं वरना उसकी वापसी बारह एक बजे से पहले नहीं होती थी हंसते हुए आगे आते झुक कर उनके सर पर प्यार किया मायशा ने मुस्कुराती नजरों से मुड़कर यह मंजर देखा तुम क्या कर रही हो यहाँ रोब से बोला सालेहा ने एक थप्पड़ उसके बाजू पर लगाया अरे ऐसे कहते हैं वो गुस्सा हुई आपको क्या मैं अपनी अम्मा के घर आई हूँ वो मुंह बनाकर वापस रुख चूल्हे की जानिब कर गई जहाँ खाना तकरीबन तैयार था हम्म ये क्या अला बला पका रही हो कुछ आता जाता है या हमारे मेदों को खराब करने का प्रोग्राम है वो कहाँ उसे तंग करने से बाज आ सकता था उसके करीब आते झुक कर हांडियों में देखा बहुत अच्छा पकाना आता है इसे खुशबू नहीं आ रही तुम्हें इसी से अंदाज़ा हो रहा है कितना अच्छा पका होगा सालह को उसके एतराजा एक आंख नहीं बह रहे थे आप ही इसका दिल रखें मैं तो जब तक चखूंगा नहीं तब तक मेरी राय महफूज है वह हाथ उठाकर उसकी खफा नजरों में देखते बोला आप वैसे कब किसी की तारीफ़ करते हैं इंतहाई कंजूस इंसान है वो आंखें सुकेड़ कर उसे देखते बोली वो तवक्को के मुताबिक चिड़ चुकी थी मैं चेंज करके आता हूँ फिर देखते हैं आपकी बेटी ने क्या कमाल किया है वो उसके चिड़ने से लुत्फ अंदोज हो रहा था लिहाजा सिलसिला जारी रखा शबाना ने दाल बनाई है आप वही खाइएगा ये बस मेरे और अम्मा के लिए है वो भी शेर पर सवा शेर थी मजे से उसे हरी झंडी दिखाई तुम्हें तो आके बताता हूँ उनकी नोक झोंक देखते साल ने चुपके से दिल में दुआ की कुछ ही देर बाद तीनों डाइनिंग पर बैठे मजेदार खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे तो फिर पसंद आ गए उसके ससुराल वालों को जवाब वो जानता था आज वो किस मोहम्म पर गई थी मेरा भाई किसी को नापसंद हो ही नहीं सकता वो फ़खर से गर्दन अकड़ा कर बोली फर्जाद उसके नाच से कहने पर मुस्कुराया। उसी लम्हे उसके साथ कुर्सी पर बैठी मायशा का टेबल पर रखा मोबाइल बचा मैसेज टोन थी इससे पहले कि मइशा उठाती फर्जाद की नज़र मैसेज के चंद अल्फाज पर पड़ी किसका मैसेज है उसके माथे पर शिक्नें नमदार हुई पता नहीं ऐसे ही कोई वो एकदम घबराते बात बना गई फ़ोन दो उसके बाद टालने पर फरजात का गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा फिर भीड़ लहजा नॉर्मल रखते मोबाइल मांगा साल भी उसके अंदाज़ पर हैरान हूँ क्या हो गया है वो कह रही है ना कि पता नहीं साल ने उसकी हमायत की जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ महसूस हुआ तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ उसे टस से मस ना होते देख कर ने झपट कर दूसरी जानब उसका रखा मोबाइल उठाया पासवर्ड गुस्से से उसकी जानब देखा जो परेशान सी जैसे उसे मना करना चाह रही थी अनलॉक करो इसे राइट नाउ। अब की बार वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। सालिया भी परेशान हुई बहुत कम यूँ फर्जात को गुस्से में देखा था मायशा ने बेबस सी नज़र उस पर डालकर कपकपाते हाथों से मोबाइल उसके हाथ से अनलॉक करके उसके हाथ में वापस पकड़ाया फर्जाद ने तेज़ी से व्हाट्सएप खोला मेरी जान तुम आ रही हो या आज रात तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं। वो यकीनन कोई और नहीं तबरेज ही था उसे जो शक था कि वो मायशा का नंबर ले चुका है वो शक नहीं यकीन था फरजात ने तेजी से पहला मैसेज पढ़ा कि कब का है वो उसी दिन का था जब वो वापस आया था यानी तीन दिनों से ये सिलसिला जारी है मायशा ने एक दो तो मैसेज के अलावा और कोई मैसेज नहीं किया था धमकी दी गई थी कि अगर ब्लॉक किया तो वो उसके अपार्टमेंट किसी भी रास्ते से आ जाएगा हाउ डेर यू वो गुस्से से अपनी कुर्सी पीछे धकेलते खड़ा हुआ वो उससे छुपा रही थी कौन है ये बास्टर्ड वो अब मायशा को अपने मुकाबिल खड़ा किए गुस्से से चिल्लाया तब तब रेज़ सफीना का भाई ये वही है जिसने मुझे वो कप कपाते होठों से बमुश्किल ये अल्फाज अदा करते बोलती रो पड़ी और तुम उसे छुपा रही हो कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि मुझसे शेयर करो ये दोस्ती है तुम्हारी मुझसे क्या समझा है तुमने मुझे वो तुम तक आ जाता और कुछ गलत कर देता तो ठीक था सालिया भी कुर्सी से कड़ी मामला समझने की कोशिश कर रही थी दिमाग है यहाँ या नहीं उसे रोता देख कर उसके माथे को ठोकते वो बमुश्किल ख़ुद पर काबू पा रहा था तो क्या करती आप, आपके और साल के तलुकत ख़राब होते आप तो मुझ पर यकीन कर लेते मगर वो नहीं करते उसकी बहन नहीं करती क्या वो ये सोच सकते हैं कि उनका भाई शराफत के लिए वादे में दरिंदा है वो भी रोते रोते चिल्लाई ये तुम्हारा काम नहीं है उन्हें यकीन दिलाना अब सिर्फ वो नहीं पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करेगी कि वो कौन है और कैसा है कल तुम जिशान को जाकर अपना माजी बताओगी और उसके बाद हम मी टू की कंपेन चलाएंगे उसके खिलाफ तुम्हें हरास करने का मुकदमा मैं करूंगा उसके बाद पर वो रोना भूल कर हैरान नजरों से उसे देखने लगी लेकिन मेरे पास तो उसके खिलाफ इन मैसेजेस के अलावा कोई सबूत नहीं मैं कैसे उसे भी निकाब करूँगी उसे समझ नहीं आई फर्जा कैसे ये सब कह रहा है मेरे पास बहुत से सबूत हैं जब अल्लाह ने किसी शख्स की असलियत खोलनी होती है वो सब रास्ते खुद ब खुद हमवार कर देता है तुम्हें मोहित ने कहा था ना कि अल्लाह तुम्हारी नीयत से भी वाकिफ है और उसकी नीयत से भी मोहित मुझे उसी दिन सब बता चुका था जिस दिन तुमने उसे बताया था मुझे सिर्फ ये अफसोस है कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझसे ये सब छुपाया उसकी नज़रों में अफसोस था कुछ मुझे भी बताओ ये सब क्या हो रहा है साल उसे तहमुल से खड़ा देख कर बोली फरजात ने सब बातें उनके सामने खोल कर रखी मेरी बच्ची अल्लाह ऐसों को मार मारेगा तुम परेशान ना हो अल्लाह पर यकीन रखो अगर फरजात कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं तो मेरी जान हिम्मत करो और ऐसों को मंजर आम पर लाओ उसे खुद से भींच साल ने तसली दी मायशा ने एक नज़र उसे देख कर सर अस्पात में हिलाया न जाने क्यों चंद दिनों से दिल बेचैन सा था मायशा को फ़ोन करने की बजाय उसने फरजात को फ़ोन करना मुनासिब समझा हेलो कैसे हो जवाद जवाद का नंबर आता देख कर वो अलर्ट हुआ अभी वो उसे कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था आज कल उसकी कंपनी की कुछ नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग जारी थी और उन्हें हैंडल जवाद ही कर रहा था वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो मायशा की तरह वो भी उसे बेहद अजीज था अपना भाई तो कोई था नहीं जवाद ने उसे बड़े भाई का दर्जा देकर जो मान दिया था वो इस मान को बरकरार रखना चाहता था मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं उसकी संजीदा सी आवाज़ उभरी मैं भी ठीक हूँ लॉन्चिंग का काम कहाँ तक पहुंचा उसके बाद पर वो उसे तफसील बताने लगा मायशा ठीक है बात के अख्ताम पर उसकी परेशानी से लबरेज़ आवाज़ पर वह होले से मुस्कुराया वो वाकई उसे बहन कहता नहीं था मानता भी था दूर बैठे भी उसे उसकी फिक्र थी हाँ ठीक है क्यों कोई बात हुई है उसने मायशा को सख्ती से मना किया था कि इन दिनों जवात को तबरेज़ के बारे में कुछ ना बताए वो मुनासिब तरीके से उससे बात करेगा नहीं बस ऐसे ही आज बात करते वो बहुत रुई कहने लगी आपकी याद आ रही है वो बहुत कम ऐसे इजहार करती है मुझे लगा कोई टेंशन ना हो बहुत पूछा मगर उसने कहा नहीं सब ठीक है बस वैसे ही तो सोचा आपसे पूछ लो शायद आपको अंदाज़ा हो उसके सेशन सही चल रहे हैं उसके लहजे से झलकती फ़िक्र पर वह बमुश्किल जबड़े भींच गया सब ठीक है वो सेंसिटिव है शायद इसीलिए फिर तुमसे प्यार भी तो कितना करती है इनफैक्ट वो चाह रही थी कि जिशान को मंगनी से पहले अपने बारे में सब बताए मुझसे पूछा तो मैंने भी मुनासिब यही समझा ताकि बाद में वो लोग कोई इशू ना क्रिएट करें हर चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए उसकी बुढ़द पर तो जवाब को कोई शक कभी था ही नहीं मैंने तो सोचा था कि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन आपकी बात ठीक है बाद में किसी से पता चले तो वो गलत है उसने भी उसकी हां में हामे लाई शायद इसीलिए वो परेशान हो तुम फिक्र ना करो मैं कल उसके साथ ही जाऊंगा उसकी बात पर वो मशकूर हुआ अगले दिन वो फरजाद के साथ ही जीशान से मिलने जा रही थी तुम कल जवाद से बात करते रोई थी उस रात के बाद से उनमें कोई बात नहीं हुई फरजाद उससे सख्त खफा था और मायशा को माजरत के अल्फाज नहीं मिल रहे थे इतनी स्ट्रेस में हूँ बस भाई की कॉल आई तो एकदम रोना आ गया वो सर झुकाए अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी वो परेशान होगा और ये चंद दिन उसके लिए बहुत अहम है जिस तरह मुझसे बातें और अपने तासुरात छुपाती हो उससे भी छुपा लेती वो गाड़ी चलाते भरपूर शिकुआ गुन अंदाज में बोला मायशा ने गर्दन मोड़ कर उसकी जानब देखा ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट और उस पर कैमल कलर की जैकेट पहने आँखों पर गॉगल्स लगाए वो संजीदा सा बैठा था मायशा ने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू पर रखना चाहा जिसे वो गुस्से से झट चुका था वो मुंह खोले झटक लिखना था झटक चुका था वो मुंह खोले उसकी नाराजगी की पररान थी आई एम नथिंग टू यू उसके अल्फाज मायशा को अंदर तक गोया चीर कर रख गए ऐसी बात नहीं है वो उसे मनाना चाह रही थी मगर वो तो शदीद गु़स्से में भरा बैठा था ऐसा ही है मैं तुम्हें देख चुका हूँ और अपनी हैसियत भी तुम्हारी ज़िंदगी में समझ आ गई है मुझे दोस्त समझती तो सबसे पहले बताती मायशा दोस्ती सालों पर मोहित नहीं होती ज़रूरी नहीं कोई दस साल से दोस्त है तो वो ज़्यादा अहम है और कोई चंद महीनों का दोस्त बना है तो वो कम अहम है बात वफ़ादारी की होती है आप सालों किसी के साथ वक्त गुजार देते हैं और चंद लम्हों में मालूम होता है कि वो सब तो धोखा और फरेब था किसी के साथ गुजरे चंद लम्हे भी कभी कभी उन सालों के रिश्तों से ज़्यादा वफ़ादार और गहरे होते हैं रिश्तों को सालों में नहीं उनकी गहराई और उनकी नीयत से परखा जाता है अपने धीमे और पुर असर अंदाज में वो उसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकतें समझा रहा था आई एम सॉरी वो शर्मिंदा सी सर झुका कर बोली मुझे तुम्हारी माजरत नहीं चाहिए मुझे यकीन चाहिए कि आइंदा अपने मुखलस रिश्तों से कुछ नहीं छुपाऊंगी चाहे उसके नतज कुछ भी हों मैंने ज़िंदगी में बहुत से रिश्तों को खोते देखा है मगर एक बात हमेशा याद रखना जिनके लिए अल्लाह ही काफ़ी होता है ना उन्हें रिश्तों के चले जाने की लोगों के बिछड़ जाने की तकलीफ़ उस तरह फिर महसूस नहीं होती मैं ये नहीं कहता कि अच्छे लोगों के बिछड़ने पर इंसान कुछ महसूस नहीं करता मगर सब्र आ जाता है और यह सब्र जिंदगी गुजारने के रास्ते आसान कर देता है बस ये यकीन रखना कि अल्लाह कभी जुदा ना हो रिश्ते वही हमारे साथ लगाता है और उन्हें अलग भी वो अपनी हिकमत से करता है और यही हमारा इम्तिहान है कि हम दुनिया में लग कर उसके अपने साथ होने ना होने को कैसा महसूस करते हैं जब अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है मेरे लिए काफ़ी है तो फिर लोगों को जोड़ेगा भी वही और जुदा भी वही करेगा हमें अपना इस दुनिया में जितना वक्त है वो ऐसे ही गुजारना है कोई सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रह सकता इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो वो किस कदर साबिर और शाकिर इंसान था मायशा ने हसरत से उसे देखा आप किस कदर पुरसकून इंसान हैं वो अपनी हैरत को लफ्ज़ों का पहनावा दे गई तुम भी हो जाओगी वक्त सब कुछ सिखा देता है अगर इंसान सीखना चाहे तो होटल के आगे गाड़ी रोककर कर उसने मायशा को अंदर जाने का इशारा किया आप मेरे साथ नहीं आएंगे उतरने से पहले वो झिझक कर बोली तुम चाहती हो मैं कबाब पे हट्टी बनूं? उसने मसनू गुस्से से घूरा मेरी कौन सी बड़ी मोहब्बतें चल रही हैं उससे उसकी बात पर वो मुँह बना बोली तो चलाओ लड़की वो हंसते हुए उसे मशवरा दे रहा था मायशा सर झटक कर गाड़ी से उतरती अंदर की जानी बढ़ी जिशान उसके बुलावे पर ख़ासा हैरान भी था उसे अंदर आते देख कर वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ मायशा ने नज़रें दौड़ाईं एक जानब पर उसे खड़ा नज़र आया बैग पर गिरफ्त मजबूत करते वो उसकी जानब बढ़ी कैसी हैं आप खुश दिली से मुस्कुराते वह उसके लिए कुर्सी निकालने लगा मायशा शुक्रिया कहकर बैठी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं यूँ पहली बार वो दोनों आमने सामने थे मैं भी ठीक हूँ क्या खाएंगी आप उसने हक मेज़बानी निभाया कुछ ख़ास नहीं बस कॉफ़ी मंगवा लें कुछ अहम बातें करनी है वह नूज़ संजीदा अंदाज़ में बोली ज़िशान ने सर हिलाते वेटर को दो कॉफ़ी लाने का कहा मैं आपको अपने बारे में कुछ चीज़ों से आगाह करना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती मेरे माजी के बारे में आप किसी तीसरे से सुने तो हमारे ताल्लुक ख़राब हों मेरे माँ बाप में से किसी ने मुझे कभी ओन नहीं किया मैं नहीं जानती उन्होंने चंद पल की कशिश को मोहब्बत समझ कर किस गलत फहमी में शादी की बहरहाल जब गलत फहमी ख़त्म हुई तब तक मैं उनके ताल्लुक की बदसूरत शक्ल बन कर मौजूद थी जिसे वह दोनों अपनाने को तैयार नहीं थे और दोनों ने मेरी परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदियाँ आबाद कर लींशान खामोशी से उसके माजी को सुन रहा था पुप्पो ने मुझे पाला और जब मैं थोड़ी समझ बूझ वाली हुई तो मेरी माँ अपने दूसरे शोहर की खुशनुदी के लिए मुझे अपने पास बुलाने का सामान करने लगी उनके शौहर को अपने पागल बेटे के लिए किसी लड़की की ज़रूरत थी क्योंकि उनका बेटा हाथों से निकल रहा था और किसी काफी लड़की के इश्क में पागल था बहुत से दूसरे माँ बाप की तरह उन्हें लगा मैं उसका इलाज हूँ मेरे वहाँ जाने के कुछ अरसे बाद उनके बेटे से निकाह हुआ और फिर मैं उसी के साथ रहने लगी मगर वो सिर्फ पेपर मैरिज ही थी जिशान अब की बार चौंका जवाद भाई भी मेरे स्टेप ब्रदर ही हैं मगर उन्हीं की वजह से मैं उस जहनी मरीज से बचती रही मगर नहीं जानती थी कि वो पागल बहुत बड़ा प्लान मेकर है अपने एक कुलीग के साथ मिलकर उसने मुझे उसकी मोहब्बत में मुबला करवाया कच्ची उम्र की मोहब्बत थी वो अजनबी शख्स मुझे अपना सबसे बड़ा हमदर्द लगा और इस बात से अनजान के वो मेरे ही शौहर का दोस्त है और दोनों मिलकर मुझे ट्रैप करना चाहते हैं मैं उसकी मोहब्बत में मुबला हो गई झीशान के चेहरे का रंग बदला वो हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था मैं रोज़ उससे मिलती थी उसके अपार्टमेंट भी जाती थी मगर अल्लाह गवाह है कि मेरी नियत में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं था मगर उसकी नियत बहुत अरसे बाद खुली जब मेरे शोहर ने मेरा मैरिटल रेप करना चाहा मैं हैरान होती हूँ औरतें कहती हैं ये मर्द का हक़ हाँ है ये कौन सा हक़ हाँ है कि अपनी ही बीवी को नोच कसोट कर, कर आप ये कहें कि आपने बीवी का हक हाँ अदा किया यह हक हाँ अदा करना नहीं यह हक़ हाँ पर डाका डालना है अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी बीवियों के मामलों में बहुत एहतियात करो उनके साथ बर्ताव में ध्यान रखो तो क्यों हमारे मर्द इस बात को नहीं जानते कि वो औरत के जिस्म पर तभी हक रखते हैं जब वो भी रजामंद अगर बीवी नहीं चाहती तो क्या उससे ज़बरदस्ती करके वो कौन सी मोहब्बत के दावेदार बनते हैं मैं जब उससे भाग कर अपनी माँ के घर पनाह लेने गई तब उनके दूसरे शोहर ने मुझे औरत जान कर मेरा फ़ायदा उठाना चाहा वो रात मुझ पर बेहद भारी थी जब उस मर्द से मेरी माँ ने मुझे बचाया तो मोहब्बत के नाम पर मुझे बेवकूफ बनाने वाले ने मुझे नोचना चाह उस रात जब भाई ने मुझे उस शख्स से बचाया उस रात जिसमानी जख्मों से तो मैं बच गई मगर उन तीन मर्दों ने मेरी रूह को घायल कर दिया मैं एक तवील अरसे डिप्रेशन का शिकार रही ड्रग्स इस्तेमाल करने लगी फिर सरफरजाद की सूरत एक फरिश्ता अल्लाह ने मेरी जानी भेजा मेरा भाई तक मुझसे रूट चुका था कि मैंने उससे सब छुपाया दो तीन साल जब भाई मुझसे नहीं मिले मैं उन्हीं के एक दोस्त के साथ रहती थी भाइयों जैसा जेम वो होले से मुस्कुराई फिर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया सर से मिली वो पाकिस्तान ले आए मेरा इलाज भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब ड्रग्स और डिप्रेशन से मैं बहुत हद तक दूर हो चुकी हूँ मगर जिस शख्स ने मुझे डिच किया वो यही है सरफरजाद का जानने वाला मैं उसके खिलाफ मी टू की कैंपेन चलाने वाली हूँ आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि अगर इन सब खामियों के साथ आप मुझे कबूल कर सकते हैं तो मैं सारी उम्र आपकी शुक्रगुज़ार रहूंगी, आपकी मोहब्बत की कदर करूंगी। लेकिन अगर आप अभी अपने कदम पीछे मोड़ना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं मगर मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती थी अपनी बात समेटते वह साफ़ से बोली ीशान कितने ही लम्हे कुछ ना बोल सका अपनी इतने सालों की तकलीफ़ों को चंद मिनटों के खुलासे में बयान करके वह उसे अंगुशते बदनेता कर चुकी थी वो हैरान था कि वह किस कदर मजबूत लड़की थी वो तो शायद उसे कबूल कर लेता मगर उसके घर वाले क्या चची ये सब जानती हैं उसके सवाल पर मायशा ने नफ़ी में से हिलाया पुप्पो पहले ही मुझसे दूर होकर बहुत तकलीफ से गुजरी हैं मैंने फ़िलहाल उन्हें नहीं बताया लेकिन ज़ाहिर है अब जब कम्पेन चलाऊंगी तो उन्हें सब बताऊंगी बस सादगी से बोली इतनी देर में कॉफी सर्व हुई मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहता हूँ मायशा ने एक नज़र उसकी जानी देखा होले से सर हिलाया मुझे कोई एतराज़ नहीं यकदम अपने इरादों में एक अटल सा चेहरा नजरों में घूमा कुछ मर्द कितने बाबकार होते हैं फरजाद जैसे उसकी मदद करने में उससे दोस्ती करने में उसका इलाज करवाने में उसे किसी अपने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी वो हर फैसला अपनी ईमां पर करने वाला हकीकत में एक घनी छाँव था और कुछ मर्दों को अपने फैसले करने के लिए भी दूसरों के कंधों की जरूरत होती है क्या ऐसा शख्स मेरी कमियों को सहार पाएगा उसके अंदर से सवाल उठा कॉफ़ी पी कर वो उसके इसरार पर भी नहीं रुकी गाड़ी में बैठते वो खामोश थी क्या कहा जिशान ने प्रजात ने गाड़ी स्टार्ट करते उसके चेहरे पर उलझे से तासुरात नोट किए अपने पेरेंट से बात करके फिर बताएगा मायशा की बात पर उसने एक गहरा सांस भरा दिमाग ठीक है तुम्हारा वो सारी बात रात में ही अपने माँ बाप के गोश गुजार कर चुका था उसके तवक्को के मुताबिक वो दोनों सुनते ही भड़क उठे कैसा दोस्त है तुम्हारा हमसे धोखा करके अपनी बदनामी जमाना बहन को हमारे सर पे तो रहा था समिया तो शीद गुस्से में आ गई कोई जरूरत नहीं ऐसी लड़की से शादी करने की देखो जरा निकाह हो गया लड़कों के साथ रहती है और हमें बेवकूफ़ समझ रही है की पेपर मैरिज है फला मेरा भाई है फला भाई जैसा है अरे तुम्हें उसी वक्त उसके मुंह पर इंकार करना चाहिए था वो हैरत की ज्यादती से आरिफ लगारी को देख कर जहर खुद लहजे में बोल बोली कल को बच्चे भी निकल आएंगे आरिफ साहब भी शदीद गुस्से में बैठे थे मैं राहील से बात करता हूँ ये क्या तरीका है उन्हें कुछ इल्म नहीं और वह लड़की क्या गुल खिलाकर और मुँह काला करवा कर अब हमारे बेटे की जिंदगी तबाह करने वाली है ऋशान बेबसी से अपने माँ बाप को हत्थे से उखड़ता देख रहा था लेकिन मम्मी वो ऐसी नहीं लगती यकीन उसने जो कहा वो मिनमनाते हुए अपनी आवाज़ उठाने लगी अपनी आवाज़ उठाने लगा अरे क्या माथे पर लिखा होता है ऐसी वैसी लड़कियों के तुम तो हो ही भोले एक बेटा पहले ही अपनी ज़िंदगी तबाह किए बैठा था न जाने क्या क्या रोग लग गए उसको और अब दूसरे को भी हम जिंदगी तबाह कर लें वैसे भी कौन सा तुम दोनों के दरमियान कोई बहुत मोहब्बतों की पतंगे बढ़ी हैं अच्छी लगी थी ना और भी लड़कियां अच्छी लग सकती हैं बस ये मामला यहीं पे ख़त्म करो हमें नहीं करनी ऐसी बदकार लड़की से तुम्हारी शादी कल को कैंपेन चलाएगी अरे हम किस किस को सफाइया देते फिरेंगे हमें नहीं कोई मुसीबत पराय फड्डों में टांगे अड़ाने की आप फोन करें अभी राहिल और रिमशा को और उन्हें भी उनकी भतीजी के करतूत बताएं वो गुस्से से लाल होती आंखों से शोहर को देखते उन्हें फोन मिलाने पर जोर देने लगी रात के बारह बजे वो अपने दुख किसके सामने घूमती सिवाय एक शख्स के उस लम्हे और कोई दिलो दिमाग में नहीं आया कुछ देर पहले ही रिमशा का फ़ोन आया वो तो हैरान थी जो जो बातें उन्हें जिशान के माँ बाप ने बताई उन्होंने उसे बुरा भला तो नहीं कहा मगर वो शदीद रो रही थी उन्हें यकीन था उनकी मायशा बुरी नहीं मगर वो किन तकलीफ़ों से गुजरी थी और ना बताने पर वो खफा हूं रिमशा का फ़ोन बंद होते उसे एक बार फिर से लगा जैसे वो इस दुनिया में फिर से तन्हा हो गई है एक बार फिर उसी तब्रेज़ नामीना सूर ने उसे तनहा कर दिया था वक्त देखे बिना फ़र्जात को फ़ोन मिलाया उसे महसूस हो रहा था और बर्दाश्त किया तो दिल फट जाएगा माइश फ़ोन उठाने के जब कितनी ही देर तक मायशा की जानिब से सिवाइसिस की के कोई आवाज़ नहीं आई तो फरजात परेशान हो उठा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रिश्ते बनने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं रोते हुए उसकी शिकवे भरी आवाज़ पर वो तफसील जाने बिना ही समझ गया था कि जिशान की जानब से रिश्ते से इंकार हो चुका है तुम्हें सुबह क्या समझाया था जब अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है तो क्या उससे बढ़कर किसी और रिश्ते की हमें ज़रूरत हो सकती है अपने आवाज़ पर काबू पाते वो बेड पर सीधा होकर बैठा लोग क्यों मफरूज़े गिरते हैं क्यों समझते हैं कि कसूर औरत का ही है बदकिरदार हमेशा वही है क्या मर्द को इतनी ही छूट है कि वो कुछ भी कर जाए वो रहेगा पाक साफ क्या जिना के बाद औरत को ही कोड़े मारने का हुक्म था या मर्द को भी था अगर इस्लाम ने बराबरी रखी है तो मुशरा क्यों नहीं रखता फरजाद उस लम्हे उसके सवालों पर लाजवाब हुआ वो क्या कहता वो माशरे की बेहद तल हकीकतें खोल रही थी इंसान तन्हा नहीं रह सकता हर कोई आपके जैसा साबिर और शाकिर्द नहीं होता मेरी सारी जिंदगी रिश्तों की महरूमी में गुजारी क्या बाकी की भी ऐसे ही गुजर जाएगी वो बुरी तरह रो रही थी फर्जाद कबस नहीं चल रहा था उसके पास चला जाए तुम्हें अल्लाह पर यकीन है कुछ देर उसे रोता रहने देने के बाद वो बोला बिल्कुल है मुझे आपकी बात अच्छे से याद है मोहित की बात याद है कि जिंदगी में होने वाले हर वाक्य में मस्बत पहलू तलाशो मगर चंद लम्हों का दुख तो होता है ना वो मासूमियत से अपनी कैफियत बता रही थी तो फिर यकीन रखो इस तकलीफ के बाद भी बहुत सी खुशियां तुम्हारी मुंतजर होंगी कुछ सच्चाइयों को दिखाने के लिए बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इस बार तुम नहीं वो शख्स अकेला रह जाएगा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सबब बना है उसके यकीन पर अभी बफ़क़त खामोश थी और एक और बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ करोगे यकीन उसके सवाल पर वो चौंकी आपकी हर बात पर यकीन है उसके ऐतराफ़ पर बहुले से मुस्कुराया इस बार सारी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे फर्जात तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे हालात कुछ भी हों वो तो कौन सा यकीन का दिया उसके रस्तों में जगा रहा था माईशा कितने ही लम्हे कुछ बोलना ना सकी और ये सिर्फ लफ्जों का यकीन नहीं तुम इसे अमलन पूरा होते देखोगी अब खामोशी से लेट जाओ जो जो आयत और सूरतें याद हैं वो पढ़ो तुम अल्लाह की अमान में हो और हमेशा रहोगी उसके मीठे अल्फाज काश माईशा उसे बता सकती कि वो उसके लिए वो मशले रहा है जो उसे हकीकतन अंधेरों से पल भर में निकाल लाता है मायशा का फोन बंद करते ही उसने पल भर में फैसला करते जवाद का नंबर मिलाया कुछ ही देर में उसने फ़ोन उठा लिया खैरियत वहाँ तो रात के बारह बजे हैं मायशा ठीक है अभी जीशान के घर वालों ने इनकार भेजा है तो उसे भी इतला मिल गई थी उसका परेशान सा लहजा को भी तकलीफ से दो चार कर गया क्या तुम मुझे मायशा के लिए बेहतरीन हम सफ़र समझते हो फरजाद के सवाल पर वो बुरी तरह उलझा वो क्या कह रहा था आप आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रही वो वाकई गई था मैं मायशा से शादी करना चाहता हूँ तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं उसकी बात पर जवाद ने फोन कानों से हटा कर फिर से नंबर देखा कि क्या ये फर्जाद ही था अजीब घामड़ हो यार मैं होशो हवास में तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहा हूँ उसकी तवील होती खामोशी पर वो चिड़ा था आपसे बेहतरीन उसके लिए कोई और हो भी नहीं सकता वो किस कदर खुश और हैरान था वो उसे बता नहीं सकता था कितनी ही बार यह ख्याल दिल में आया था मगर वो अपनी बहन के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता था वो उसके वकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता था इसीलिए चाहने के बावजूद उसने कभी ऐसी कोई बात फरजात से नहीं कही ठीक है कल का दिन निकाह के लिए ठीक है फिर वो उसे झटकों पर झटके दे रहा था वो तो ठीक है लेकिन मायशा वो जानती है वो हैरान था उसे हुआ क्या है वो तुम्हारा काम है वो उस पर भारी जिम्मेदारी दे चुका था जिशांत के बारी उसने ये जिम्मेदारी फरजात के कंधों पर डाली थी और अब वो अपने लिए जिम्मेदारी उसे दे रहा था रुख्सती तुम्हारी मौजूदगी पर होगी वो तो सब तय किए बैठा था आई एम शॉक्ड जवाब बस इसी कदर कह सका मी टू कल शाम को गवाह के तौर पर ऑनलाइन आ जाना अपना अगला हुक्म शादिर करके खुदा हाफिज़ कहते वो फ़ोन बंद कर चुका था रात पे रोने के सबब उसका सर शदीद दुख रहा था कसलमंदी से वो काफ़ी देर बेड पर यूं ही लेटी रही सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा सुबह के दस बज चुके थे उसे आज शाम रिहर्सल के लिए जाना था बेजार से उठ कर बैठी जुबैदा भी दो बार दरवाज़ा बजा चुकी थी बेड की पुश्त के साथ टेक लगा कर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया पहला मैसेज ही जवाब का नज़र आया जब भी उठो मुझे कॉल कर लेना कुछ ज़रूरी बात करनी है मैं जा ही रहा हूँगा वो उलझी सब खैर हो फिर ख्याल आया उसे भी ज़िशान के घर वालों के इनकार का मालूम हो चुका होगा एक नए सिरे से वही तकलीफ दे बातों को दोहराना नहीं चाहती थी फिर भी जवाब को फ़ोन तो करना ही था ना चाहने के बावजूद उसे फ़ोन किया दूसरी ही बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया ऐसे जैसे इसे इंतज़ार में बैठा था ठीक हो सलाम के फौरन बाद उसने फिक्रमंदी से पूछा जी भाई बहुत डीढ़ कुछ नहीं होता मुझे उसके लहजे की यासियत उसे और भी बेचैन कर गई मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है उसे समझ नहीं आई वो कैसे उसे बताए वो जानता था उसकी तरह मायशा के वहम गुमान में भी फरजाद की जानिब से ऐसी किसी पेशकदमी का ख्याल तक ना होगा अभी थोड़ी देर में फरजाद की वालदा तुम्हारे पास आएंगी वो जैसे कहेंगी तुमने वैसे ही करना है जवाद की मुबिम बात पर वो बुरी तरह उलझी क्या मतलब अम्मा मेरे पास आएंगी क्या कहेंगी भाई मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही क्या कह रहा था वो एक लफ्ज़ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ैसला तुम्हारे लिए किया था मगर ये समझो कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था कुछ लोगों को हम डिज़र्व नहीं करते और कुछ लोग हमें डिज़र्व नहीं करते निशान के मामले में कुछ ऐसा ही था वो शख्स तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था लेकिन अब जो शख्स अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है समझो वो बेहतरीन है तुम्हारे लिए वो गंग सी उसकी बात सुन रही थी समझ आ भी रहा था और नहीं भी वो गुमगू गुम की कैफियत में बैठी थी तुम्हारा इस बात पर ईमान है ना कि अल्लाह हमसे अच्छी चीज़ देकर हमें बेहतरीन से नवाजता है रिवाज़ की बात पर वो इनकार कर ही नहीं सकती थी तो ये समझो अल्लाह ने उस बेहतरीन को तुम्हारे लिए चुन लिया है मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं मगर अल्लाह ने उस सब्र का तुम्हारे लिए अब बेहतरीन इनाम दिया है और वो फ़र्जाद के अलावा और कोई नहीं हो सकता वो तुमसे शादी करना चाहते हैं शाम में तुम्हारा निकाह है मैं ऑनलाइन अपनी बहन के इस अहम मौके पर मौजूद होंगा रुखसती अभी नहीं कर रहे मैं आऊँगा फिर अपनी बहन को उसके शयान शान रुखसत करूँगा प्लीज़ कुछ भी सोचे बगैर कोई स्ट्रेस लिए बगैर किसी खुद तरसी का शिकार हुए बिना शाम में निकाह कर लो उसकी गंभीर खामोशी उसे खौफ से दो चार कर गए यकीन उसके लिए भी ये एक शौक ही था आपको किसने ये सब कहा है वो इस तहजाया हंसी कैसा मजाक कर रहा था वो सुबह सुबह अभी रात को तो फर्जाद से बात हुई थी ऐसा तो किसी एक बात में भी कोई शायबा तक नहीं लगा था उसे जवाब नहीं क्या कोई ख्वाब देखा था रातों रात वो हैरान और शदीद परेशान थी फर्जाद ने मुझे रात में फ़ोन करके इस ख्वाहिश का इजहार किया है उसकी बात पर मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा रात में वो बमुश्किल सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली दिमाग खराब है उनका जानते बूझते खाई में गिर रहे हैं तो क्या उसकी रात की तकलीफ पर वो इस कदर इमोशनल होकर इतना फजूल फैसला कर गया वो कौन सा मर रही थी शादी के लिए वह बस लोगों की बातों पर दुखी थी और वो क्या समझ बैठा था उसने सर थाम लिया मायशा तुम मुझे अगर अपना भाई समझती हो तो ख़ामोशी से वो जैसे कह रहे हैं करो इस वक्त तुम जिस फेज से गुजर रही हो इसमें ये सब सोचना फितरी है मगर यकीन जानो उनके लहजे में तुम्हारे लिए शदीद चाहत थी वो उसे भरपूर यकीन दिला रहा था डर भी रहा था कि अपनी किसी बेवकूफ़ी से वो मामला खराब ना कर ले आप रहने दे भाई मैं उनसे बात करती हूँ कोई मजाक है ये वो तैश में आई तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वो बहुत कम उससे सख्त लहजे में बोला था इस वक्त उसे नरमी की जरूरत नहीं थी मैं वाकई ऐसा कुछ नहीं करूँगी जैसा वो जज्बातीपन में सोच रहे हैं वह उसकी बात की तयद किसी और ही रंग में कर गई क्या चाहती हो तुम हाँ कोई शख्स अपनी पूरी रजामंदी और चाहत से तुम्हें अपनाना चाहता है तुम्हारे माजी से बाखबर है उसे किसी बात से कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है जवाब भी उसके रट पर गुस्से में आ गया यही तो मसला है कि वो ये सब सिर्फ हमदर्दी में मुझे उस दरिंदे से बचाने के लिए कर रहे हैं आप नहीं समझ रहे उसकी बात पर जवाब बुरी तरह चौंका मायशा भी अपने जज्बाती पन पर जबान दांतों में दबा गई किससे कौन मायशा बताओ मुझे किसकी बात कर रही हो क्या हुआ है तुम्हारे साथ वो बुरी तरह बिफर कर बोला आखिर उसे तबरेज वाली बात बतानी पड़ी फरजात ने ही आपको बताने से मना किया था कि आप वहाँ बहुत परेशान होंगे वो मिनमिन -मिन आई अब तो जैसे बहुत खुश हूँ मैं वो मुंह बिगाड़ कर बोला भाई आई एम सॉरी आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से मैंने आपको परेशान नहीं किया वो नादिम सी थी इट्स ओके मेरा बच्चा लेकिन यकीन करो फरजात ने पूरी रजामंदी से यह फैसला किया है और मैं भी बहुत खुश हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंसान है मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे लिए ऐसा ही बंदा हो जो हर लम्हे तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखे जैसे मैं कोशिश करता हूँ और मुझे देख कर खुशी होती थी कि वो तुम्हारा मुझसे कहीं ज़्यादा ख्याल रखते हैं यकन है अल्लाह ने उनके दिल में यह ख्याल डाला है तो तुम क्यों बेफजूल के एतराज उठा रही हो उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे उसे मनाए भाई वो गलत कर रहे हैं मुझ जैसी लड़की उनकी चॉइस नहीं है उनकी चॉइस एक मिचोर लड़की है वो कैसे उसे समझाती कि चंद दिन पहले ही तो उसने वो खसूसियात बताई थी जो वो अपनी बीवी के हवाले से सोचता था माइश, मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस मौके को यूं अपने मफरूजों की नजर मत करो किस्मत हर बार यूं मेहरबान नहीं होती वो कितनी जबरदस्ती करता उसके साथ आखिर तो उसे ही फैसला करना था मैं इतनी खुद गर्ज नहीं कि मैं अपने भले के लिए उनका नुकसान करूं प्लीज भाई मैं ये नहीं कर सकती वो साफ इनकार कर चुकी थी मैं अफवाह रख रही हूं आप उन्हें मना कर दें वो अपना फैसला सुना चुकी थी फोन बंद करके भी वो कितनी ही देर यूं ही बैठी रही किस कदर मेहरबान था वो शख्स सुबह बखैर साल के माथे पर प्यार करता वो डाइनिंग की कुर्सी खींच कर उनके पास बैठा तबियत ठीक है आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक उन्हें पहली बार नजर आई चौंक कर उसका फ्रेश चेहरा देखा जी बिल्कुल ठीक है मायशा कैसी लगती है आपको एक और स्लाइस का पीस अपनी प्लेट में रखते वो उनसे मुखातिब हुआ ले ले ये भी कोई पूछने वाली बात है ऐसी प्यारी बच्ची भला किसी बुरी लगेगी वो गोया नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली तो फिर उस बच्ची को अपनी बहू बनाने की तैयारी कर लें आप नाश्ता खत्म करिए मैं आपको उसके पास छोड़ आता हूँ ड्राइवर आपको और उसे मार्केट ले जाएगा शाम चार बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा सात चंद दोस्त और मौलवी साहब होंगे फिर निकाह की सुनत पूरी करेंगे तेजी से नाश्ता करते वो इतनी ही तेजी से उनका दिल दहला गया अरे अरे क्या कह रहा है बावला हो गया है क्या वो तो उसकी जबान से निकलने वाले इनकशाफातरा कर ही रह गई यार अम्मा एक तो आप शादी नहीं कर रहा था तो पीछे पड़ी हुई थी कि शादी करो अब कर रहा तो आप मुझे पागल कह रही हैं अगर पागल शादी करते हैं तो आज शाम तक आपका बेटा पागल होने के लिए तैयार है हाथ रोक कर उनकी जानिब देखा तेरी मत तो नहीं मारी गई ऐसे होती है शादियां वो मुंह पर हाथ रखे अभी भी सदमे किसी कैफियत में थी मेरी तो अब तक एक भी नहीं हुई लिहाजा मुझे नहीं पता पहली कर रहा हूँ मुझे तो ऐसी ही शादी करने का पता है बाकी आप देख लेने निकाह करवाना है बेटे का आज के के नहीं वो तो सर पकड़ बैठ गई तुझे हुआ क्या है है रात? कल तक कह रहा था उसकी किसी और से मंगनी होनी है। अब तू उम्मीदवार बना बैठा है इस कदर उलझी कहानी में वो ना उलझती तो क्या करती बस वो ना कदर लोग उसकी कदर ना कर सके कल उनकी जानिब से इंकार हो गया है इसीलिए मैंने रात में ही उसके भाई से मई का हाथ मांग लिया था सोचा अब भी अगर देर कर दी तो आप ही ने कहना है एक और अच्छी लड़की हाथों से निकल गई वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा जो अब तक आंखों में हैरत समोए उसे ही देख रही थी वो मान गई उन्हें यकदम ख्याल आया उसे मनाने का काम उसके भाई के जिम्मे लगाया था पता नहीं क्या बना एक मिनट इससे पहले कि वो बात पूरी करता जवाब का मैसेज स्क्रीन पर नजर आया फौरन मोबाइल अनलॉक करके मैसेज खोला आई एम सॉरी शी इज नॉट बिलिंग फॉर दिस प्रपोजल उसकी बात पर फर्जाद ने लब भींचे बिल्कुल ही बेवकूफ है वो बुढ़ चले वो तो नाकाम हो गया अब आप ही अपनी बेटी को मनाए और उसे ये कह दें निकाह तो मेरे साथ ही होगा चाहे वो चू करे या चाँ मजीद को बेवकूफी उसे नहीं करने दे सकता हाथ नैपकिन से साफ करते कुर्सी से उठा मेरी बच्ची ने दुख भी तो इतने उठाए हैं खुशियों पर यकीन आते आते भी तो वक्त लगता है चल मैं अपनी बहू के पास चलूं। वो भी अपनी जगह से उठते हुए पुरजोश से अंदाज में बोली वो साल बेगम को उसके अपार्टमेंट के बाहर उतार कर जा चुका था वो मुंतशिर जहन लिए लाउंज में बैठी थी जब सालिहा बेगम को अंदर आते देख कर हैरान होती अपनी जगह से खड़ी हुई कैसी है अम्मा वो बेअ्तियार होकर उनकी जानब बढ़ी उनके गले लगकर जैसे सुकून सा मिल गया मैं तो ठीक हूँ तुम क्या अपनी माँ से खफा हो उनकी बात पर वो झटके से उनसे दूर हुई बिल्कुल नहीं किसने कहा आपको वाह कई परेशान हो उठी तो फिर हमेशा के लिए मेरी बेटी बनने से इनकार क्यों किया महरबान चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट सजाए वो उसका इम्तिहान ले रही थी आप बैठें उन्हें लिए वो सोफ़े की जानिब बढ़ी जुबैदा ये कुछ चीज़ें जाकर ड्राइवर के साथ ले आओ जुबैदा जो उनके करीब ही खड़ी थी उसे एक लिस्ट थमा कर उन्होंने वहां से गायब किया मायशा खामोशी से देख रही थी अब बोलो जुबैदा जैसे ही बाहर निकली उनका रुख मायशा की जानिब हुआ आप उन्हें समझाएं वो गलत कर रही हैं मैं उनके साथ सूट नहीं करती वो मुझ जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करते वो उन्हें कैसे समझाती कि वो उसकी ख्वाहिश नहीं रखता मेरा बेटा बहुत समझदार और बुर्दबार है वो कभी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करता अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो यकीनन अपने दिल की पूरी रजामंदी से की है तुम्हें तो, तो देखते ही दिल ने कहा था यही रात तो हमेशा के लिए मेरे ही घर सजना चाहिए मगर तब फर्जाद ने बताया कि तुम्हारे लिए कोई और ख्वाहिशमंद है किस्मत का समझ कर खामोश हो गई लेकिन अब अगर किस्मत ने यह मौका दिया है तो मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती वो अटल फैसला करके आई थी उसका हर गुमान झुकला रही थी अम्मा ये ज्यादती है उनके साथ मैं आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ क्या बगैर फरजात से शादी किए मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती उसके सवाल पर वो मुस्कुराई क्यों नहीं बेटी तो अब भी हो मगर फिर मेरा तुम पर कोई हक नहीं होगा अब तो हक से मनवा भी सकती हूँ और जता भी सकती हूँ क्या मेरा तुम पर कोई हक है वो किस कदर मुश्किल सवाल कर रही थी माँ थी ना जानती थी औलाद को कैसे ब्लैकमेल किया जा सकता है वो होंठ बुरी तरह कुचलने लगी ऐसे मत करें वो बेबसी से बोली तुम ऐसे मत करो अपने साथ हमारे साथ ज़िंदगी तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर रही है तो तुम क्यों मुश्किलें चुन रही हो फज़ाद की माँ थी ना कायल करना जानती थी और मेरे रास्ते की मुश्किलें चुनकर वो अपने रास्तों में कांटे बिछा रहे हैं आपको वो क्यों नहीं नज़र आ रहा वो बेबसी से बोली वो तो जानता है कि रिश्ते की मुश्किलें कैसे आसानियों में बदलनी हैं तो बस फिर उस पर यकीन रखो वह शहादत की उंगली उठाकर ऊपर की जानिब इशारा करती बोली अम्मा मैं खुद गर्ज नहीं बनना चाहती उनके कंधे पर सर रख कर वो सिसकी तुम कहाँ खुद गर्ज हो रही हो गलत ख़यालों को झटक दो तो, बस मेरे बेटे की महरम बन जाओ अपनी मोहब्बत का यकीन वो खुद तुम्हें दिला देगा मगर अभी वो बिना किसी मज़बूत रिश्ते के तुम्हें कुछ भी कहेगा तुम्हें यकीन नहीं आएगा मैं तुम्हारी कैफियत जानती हूँ तुम बस सब किस्मत पर छोड़ दो जैसे अभी तक उस पर यकीन करती आई हो आज भी उस पर यकीन कर लो उसने कुछ सोच कर ही इतना बड़ा फैसला यूं कर लिया है वो उन्हें क्या बताती रात को वो न जाने किस किस महरूमियों की बात उनके बेटे के सामने कर गई वो उन्हीं सब की वजह से ये फैसला जज्बाती होकर कर रहा है मुझे अम्मा कहा है कि अम्मा का इतना भी हक नहीं दोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करे वो उसे इम्तिहान दर इम्तिहान में डाल रही थी आंखें ज़ोर से मीच कर वो उनके गिर्द अपने बाजुओं का हसार खींच गई उन्होंने भी नरमी से उसके बाल सहलाते मोहब्बत से उसके सर पर प्यार किया आंखों की नमी बाएं हाथ से साफ की जैसे आपकी मर्जी कितनी मुश्किलों से ये अल्फाज अदा किए थे ये वही जानती थी माँ सदके चलो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें ले आऊँ मोहब्बत से उसे भीज कर खुद से पीछे करते उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ किया मुस्कुराते हुए उसे होलिया दुरुस्त करने का कहा उसे लिए वह न जाने क्या क्या लेती रहीं वो बस डमी की तरह उनके साथ यहाँ से वहाँ फिरती रहीं शाम तक फ़र्जाद को फ़ोन पर फ़ोन करती रहीं कि उसे ये सब करने से रोक ले वो उसकी ख्वाहिश नहीं है वो जानती थी फिर वो क्यों ये कर रहा है दोस्ती में ख़ुद को तकलीफ देना कहाँ का इंसाफ़ है मगर वो भी जैसे भूल गया था कि मईशा नाम का कोई नंबर उसके मोबाइल में सेव है मचाल है एक कॉल भी उठाई हो या किसी मैसेज का जवाब दिया हो शाम तक वो उससे शदीद खफा हो चुकी थी जाओ ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ वाइज और पिंक कलर का दीदा जेब फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा उसकी जानब बढ़ाया नीचे फरजाद और उसके चंद दोस्त आ चुके थे आने से पहले उसने साल को फ़ोन कर दिया था वो मायशा को लेकर उसके कमरे में आ गई वो खामोशी से कपड़े थाम कर वॉशरूम में बंद हो गई जिस नम्हे वो कपड़े बदल कर बाहर आई सालिया के साथ बैठी सफीना को देखकर वो शद्दीद हैरान हुई कैसी हो उसका चेहरा उतरा हुआ था हमेशा वाली खुशगवार से मुस्कुराहट उस लम्हे मादूम थी उसे वॉशरूम के करीब हैरान सा खड़ा देख कर वह उसकी जानब बढ़ी मुझे माफ़ कर दो यकदम उसके गले लगते वह रो पड़ी मायशा हैरान थी क्या वो जानती है अपने भाई के करतूत वो कैसे यहाँ है आप आप क्या कह रही हैं वो उससे हर गेज़ इस वक्त यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कब से उससे हर नाता ख़त्म हो चुका था उसने भी इतने दिनों से रबता नहीं किया था और आज यहाँ कुछ राज हैं जो तुम भी जान जाओगी बस ये यकीन रखना कि मैं और साले तुम्हारे साथ हैं बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए फर्जात तुम्हारे लिए परफेक्ट है उससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन साथी हो ही नहीं सकता बहुत सी बातें तुम्हें बतानी हैं बहुत सी माफियां तुमसे मांगनी हैं लेकिन अभी नहीं कुछ देर बाद आओ तुम्हें तैयार कर दू उसकी मुबीम बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी वो खुद ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि उससे इसरार करती कि वो क्या कह रही है किन बातों से वो अभी तक लाइम है और क्या उसका और साले का यहाँ होने का मतलब है कि वो अपने भाई और उसके दरमियान की कश्मकश से वाकिफ़ हैं कितने ही सवाल दमाग में उठ रहे थे वह मैकान की अंदाज में चलती उसके साथ ड्रेसिंग के आगे बैठी और फिर दस पंद्रह मिनटों में ही उसने हल्का सा मेकअप करके उसे तैयार कर दिया खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाकर उसके सर पर पिंक रंग का दुपट्टा जमा दिया कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ मायशा रेडी है दरवाजे पर साले की आवाज सुनाई थी हाँ सफीना दरवाजे पर मौजूद थी जबकि साले, साले ने कहते साथ रिमशा को अंदर आने का रास्ता दिया मायशा ने हैरान नजरों से रिमशा को देखा जो सफीना और सालेह से मिलने के बाद उसकी जानब और साल से मिलने के बाद उसकी जानब बढ़ी एक तो सालेह और साल पापा मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो रोते हुए वो मायशा के रूप दिल में बसा कर उसके गले लगी क्या था वो शख्स उसका कहाँ सच लगा इस बार तुम नहीं वो अकेला होगा उसके तो सभी अपने उसके इर्द गिर्द जमा कर लिए थे उसने क्या वाक कही वही उसकी असल मंजिल था दिल मुसलसल दुहाइयाँ दे रहा था हमक हमक कर उस मेहरबान की जाने पड़ रहा था यह बातें बाद में होंगी मौलवी साहब आ गए हैं रिमशा को खामोश करवाकर सालेहा ने मायशा के चेहरे पर नेट के दुपट्टे का घूंघट कर दिया सालह मौलवी के साथ अंदर दाखिल हुआ साथ में टैब पर जवाब भी मौजूद था नम आँखें लिए वो अपनी जान से प्यारी बहन की ज़िंदगी में आने वाली इतनी बड़ी ख़ुशी पर किस कदर खुश था कि बस नहीं चल रहा था कि उड़ उसके पास आ जाता वो गायब दमागी से मौलवी के अल्फाज सुन रही थी किसी रोबोट की तरह उसने कबूल है कहा साइन करते दिल किया सब छोड़ छाड़ कर फर्जाद के पास जाए उसे मना करे ये मत करो उसे सारी जिंदगी के लिए ऐसा एहसानमंद ना करो कि वो नज़रें ना उठा सके मगर वो तो आज अजनबी बना हुआ था साइन करते वो वहीं अपनी गोद में सर रख कर सिसक उठी वहाँ लाउंज में वो बैठा बेचैनी से साले की वापसी का मंतजर था दिल में कहीं डर था वो इनकार ना कर दे मगर जिस नम्हे निकाह नामे पर उसके साइन देखे दिल को बेहद सुकून महसूस हुआ चंद ही लम्हों बाद वो भी ऐजाबो कबूल करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ चुका था तुम मायशा के पास हो आओ एक बार उसने रो रो के हालत बुरी की हुई है सफीना सबको रिफ्रेशमेंट देने बाहर आई जब होले से फरजाद के कान में कहा फरजाद ने लब भीचे सर हिलाकर उठा एक्सक्यूज मी मैं आता हूँ वहाँ मौजूद अपने चंद दोस्तों से एक्सक्यूज़ करता वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया उसी लम्हे रिमशा और सालेहा उसके कमरे से बाहर आई सामने ही सफ़ेद शलवार कमीज़ पर सियाह शॉल लिए फर्जा खड़ा नज़र आया मैं मिल लूँ सालेहा की जानब देख कर गोया इजाज़त मांगी हाँ संभालो उसे वो ठंडी सांस भर कर दरवाजे के आगे से हटी फर्जाद पहली बार मायशा का सामना करते जिटका दिल की हालत ही और थी वह उसकी बन चुकी थी जो चंद दिनों में ही दोस्त से मोहब्बत में बदल गई थी ऐसी मोहब्बत जो रूह तक में बस चुकी थी आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ जहाँ वो जवाब से बात कर रही थी ठीक नहीं हुआ ये उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी जवाब पे बस सा बैठा था जब स्क्रीन पर मायशा के हमरा फरजाद नजर आया वो होले से मुस्कुराया। मायशा सर झुकाए आंसू साफ कर रही थी उसे पता ही नहीं चला कब वो बेड पर उसके पीछे बैठा तुम अपना सेशन थोड़ी देर बाद जारी रखना मुझे अपनी बेगम से कुछ बातें करनी हैं आंसू साफ करते उसके हाथ वहीं साखित हो गए अपने पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो बुरी तरह घबराई जवाद उसके धौंस भरे अंदाज पर हंसा जी जी ज़रूर फरजात ने मायशा के पीछे से हाथ बढ़ाकर टैब टैप कॉल बंद की वो वैसे ही उसकी जानब पुश्त किए बैठी थी माइश टैप बंद करके उसने इसतक भरी नज़रों से उसकी पुष्ट को देख कर पुकारा उसके पुकारने की देर थी वो गुस्से से आगे होते बेड से उतरकर दूसरी जानब उतरी झटके से खूंखार नजरों से उसे देखते उसकी जानब मुड़ी प्रसाद की नजरें उसके रूप पर टहर गई माथे पर मौजूद छोटी सी बिंदिया उसके झटके से मुड़ने पर उसके माथे से सिरक चुकी थी वो आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ आज नजरें उसके चेहरे से हटने से इंकारी थी तो उसने भी नजरें नहीं मुड़ी आज तो वो उसे देखने का पूरा हक रखता था आ गई आपको मेरी याद वो गुस्से से पुनकारी सारा दिन उसे फोन किया और अब जब सब हो गया तब वो उसके पास आया तुम्हारी याद तो हर वक्त ही आती है मोहब्बत से चूर लह जा खुद हैरान था मोहब्बत ने कैसे वार किए थे कि वो आज यूं बेबस सा उसके सामने खड़ा था क्यों किया आपने ये आंखें फिर से नम हुई उसकी आंखें यकीनन सफीना ने बहुत खूबसूरती से सजाई होंगी जिन्हें वो रो रो कर साफ कर चुकी थी फिर भी नम लाल सी आंखें फर्जात को उस लम्हे घायल कर रही थी निकाह करना गलत है वो अपने सा वो अपने हमेशा के तहरे लहजे में उससे सवाल करता उसे मुश्किल में डाल रहा था काश मैं रात में आपको फ़ोन ना करती मर तो ना जाती ना माथे पर हाथ रखते वो कुराई उसकी बात पर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करता वो आहिस्ता से उसकी जानब बढ़ा फजूल बातें सोच कर ख़ुद को हरकान मत करो उसे बाजुओं से थाम कर क़रीब किया कोई फजूल सोच नहीं फजूल वो है जो आपने किया है आप इतने जज्बाती कैसे हो सकते हैं क्यों मुझ जैसी को अपने लिए चुना मैं आपको डिज़र्व नहीं करती उसके हाथों से अपने बाजू छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते जब नाकाम हो गई तब बेबस सी उसके हसार में खड़ी दिल में आए ख्याल कहने लगी ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है कि कौन किसे डिज़र्व करता है अभी कुछ मत कहो कुछ मत सोचो जज्बाती मैं नहीं तुम हुई हो इस वक्त खुद तरसी से बाहर आओ क्या मस्ता है तुम में कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती उसके लहजे में गुस्सा डर आया सब जानते हैं आप वो गुस्से से उसे देख कर बोली हाँ इसीलिए अभी उसकी बात पूरी ना हुई थी कि वो बीच में काट गई हाँ इसीलिए मुझे सारी जिंदगी के लिए अपना एहसान मंद कर लिया उसके लहजे में काट थी फर्जाद ने लब भीजे तुम्हारा दिमाग इस वक्त खासा खराब हो रहा है माथे पर हमेशा वाले बल नमूदार हो चुके थे मगर नजरों में अभी भी नरमी थी जो उसी नरमाहट से उसके एक एक नक्श को छू रही थी हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर मौजूद बिंदिया को ठीक किया मायशा ने सर झटका मुझे कभी किसी ने कहा था मैं बहुत अजीब इंसान हूँ लिहाजा अजीब इंसान कुछ भी कर सकते हैं गुस्से पर काबू पाते मुस्कुरा कर कहते माहौल को नॉर्मल करना चाह बहुत गलत किया है आपने वो अब भी अफसोस भरी नज़रों से उसे देख रही थी सबसे सही मैंने अब किया है उसे नजरों के हसार में लेते गंभीर लहजे में बोला मायशा का दिल बुरी तरह धड़का अभी जितना भी तुम्हें समझा लूं तुम किसी बात पर यकीन नहीं करोगी बेहतर है कि कुछ वक्त दो इस रिश्ते को सब ठीक लगेगा उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे उसकी आंखों में देखते गोया हुआ जानबूझकर कर आपने अम्मा को मेरे पास भेजा जानते थे कि मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकूंगी। एक और शिकवा तैयार था वो उसके अंदाजे की दुरुस्तगी पर होले से मुस्कुराया आज रिश्ता भी था हक भी था इसी हक का इस्तेमाल करते मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे मायशा का तनफस बिगड़ा यकद उसके बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत की तुम किसी और तरह मान जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था पीछे हटते मोहब्बत से उसके चेहरे को एक बार फिर गहरी नज़रों से देखा अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ और अपने साथ मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया वो फिर से सिसक पड़ी कुछ चीज़ें वक्त के साथ अच्छी लगती हैं जब पूरी तरह मेरी बंद कर आ जाओगी तब तुम्हें समझ भी आएगा मैंने क्यों और किस लिए किया है तुम्हारा दोस्त अब भी हूँ और हमेशा रहूँगा को इस वक्त उसे जितना भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता वो अपने बदगुमानियों में कभी उस पर यकीन न करती मुझ पर यकीन है हमेशा वाला सवाल पूछा उसका चेहरा अब भी दोनों हाथों से थाम रखा था नहीं जवाब उसकी तवक्को के मुताबिक था फरजात का कह कहा बेसाख्ता था रुखसत होकर आओ सब यकीन दिला दूंगा एक बार फिर उसके गाल को मोहब्बत से छुआ अब की बार मायशा ने उसके हाथ चेहरे से झटके कभी रुखसती नहीं करवाऊंगी फासला कायम किया जिसे वो पल भर में खत्म कर गया हाथ बढ़ाकर उसे खुद से करीब तर किया अब की बार गिरफ्त मजबूत थी वो किस आई सोच लो जानती हो मुझे चैलेंजेस पसंद हैं अब रू उचका कर मुस्कुराती नजरों से उसकी शिकवा भरी नजरों में झांका हाँ मैं तो चैलेंज हूं ना वो बात को गलत सिम ले गई निकाह मुबारक उसे खुद में भींच कर, उसे किसी भी शिकवे और गुस्से को खातिर में लाए बगैर वो अपनी ही मनमानियाँ कर रहा था मत करें ये सब वो तड़प कर उसके हसार से निकली। सोच भी नहीं सकती थी यूं इस रिश्ते में बंध कर उसके इस तरह करीब होगी अपना ख्याल रखना एक बार फिर उसकी हर तरह की मज़ामत को ख़ातिर में लाए बगैर उसके करीब आकर सर पर सजे दुपट्टे पर लब रख कर पीछे हटा और फिर कमरे से बाहर चला गया वह सर थामे बेड पर बैठी रह गई हेलो आज रात 12 बजे के बाद उसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दो चार दिन से मुसलसल उसे मैसेज पर मैसेज कर रहा था मगर वो तो जैसे हर तरह के नतज से बेफिक्र उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी न जाने क्या था उसमें कि वो उसके कुर्ब के लिए पागल हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने ख़ास बंदे को फ़ोन पर हदायत दी जी सर वो उन्हीं सहाफ़ियों में से एक था जो येलो जर्नलिज्म को ही अपनी फतह समझते हैं बस ठीक है जब वायरल करो एक स्क्रीन शॉट मुझे भी भेज देना वह खबासत से हंसा जी सर फ़ोन बंद करके वह बेचैन मुसलसल वक्त देख रहा था सवा बारह बजे के करीब उसे फेसबुक इंस्टा और बहुत से और सोशल मीडिया पर मायशा और उसकी वायरल होने वाली तस्वीर का स्क्रीन शॉट भेजा गया ये उसी रात की तस्वीर थी जब वह उसके अपार्टमेंट में पनाह लेने आई थी तस्वीर इस अंदाज से ली गई थी कि उसके होंठ मायशा के माथे को छू रहे थे उसकी अपनी तो तस्वीर पूरी नहीं थी हाँ मगर मायशा का चेहरा वाजिया था गो के तस्वीर पांच साल पुरानी थी मगर उसे पहचाना जा सकता था तस्वीर पर कैप्शन लिखा था मशहूर उभरती हुई गुलुकारा मायशा का छुपा हुआ माश का मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर तबरेज के साथ उसे ऐसे स्केंडल से फर्क नहीं पड़ता था हाँ मगर मायशा का पूरा करियर दाव पर लग सकता था कुछ वो फर्जाद की नजरों में उसे गिराना चाहता था चंद मुलाकातों में उसे अंदाजा हो गया था जैसे फर्जाद का खास झुकाव उसकी तरफ है वो अपने शिकार को किसी और का होते कैसे देख सकता था वही स्क्रीन शॉट उसने मायशा के नंबर पर सेंड किए शायद उसका मोबाइल बंद था जो रिसीव नहीं हुए थे अल्लाह ये मैसेज कौन कर रहा बस 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 हाथ धोला एक सेकंड।